शिव अद्भुत नाशन गौरी समेत गिरीश शिव अलौकिक चिदंबर नायक तुम गुरु नारद सेव्य शिव आदित्य प्रिय वास शिव अतुलनीय अविश्वसनीय कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन धरती पर स्वर्ग का एहसास करा रही है। यहाँ महाकालेश्वर तो पहले से मौजूद हैं, अब भगवान शिव के एक नहीं बल्कि 190 रूप भी साक्षात विराजमान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कालों की समय सीमा को दरकिनार कर सातों ऋषि भी एक साथ महादेव की आराधना में खुद उज्जैन पहुंच गए हैं। ये सत्य और सुंदर रूप उज्जैन का है, जहां महाकाल कॉरिडोर का पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है, जिसका शुभारंभ करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी महाकाल महाराज की नगरी पधारेंगे और प्रथम चरण के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण 11 अक्टूबर को करेंगे, लेकिन उससे पहले आज ही हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर भव्य, दिव्य और नव्य महाकाल कॉरिडोर के दर्शन कराएंगे। हम आपको महाकाल परिसर के अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रुद्र तालाब के करीब की तस्वीर दिखाते हैं। ये मंदिरों की वो सीरीज है जिसके आसपास और इस रुद्र तालाब के आसपास ये जो कॉरिडोर है वो डेवलप किया जा रहा है। यहाँ आप शंकर जी की मूर्ति जो संगमरमर की दिखाई दे रही है, वहाँ आपको भारत माता जो मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, महाकालेश्वर भक्त निवास आपको दिखाई दे रहा होगा, और महाकालेश्वर जो मंदिर है वो वहां पर झुरकोटों के बीच में आपको यहाँ से नजर भले ही ना आ रहा हो, पहले से ही इसकी ख्याति देश और दुनिया में मशहूर है। दूर दूर से विदेशों से लोग महाकालेश्वर आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन अब इस महाकालेश्वर को जिस खूबसूरती से सजाया गया है और जिस बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन कार्य किया गया है वो देखने ही लायक होगा। महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी कई गुना बड़ा है। भव्यता और सुंदरता ऐसी कि शिव भक्तों की आंखें इसके कोने कोने को बस निहारती रह जाएंगी। महाकाल प्रोजेक्ट 750 करोड़ रुपए का है। फिलहाल पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, जिस पर करीब 316 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दूसरा फेज भी एक साल के अंदर पूरा हो जाएगा। पहले महाकाल परिसर सिर्फ 2 हेक्टेयर का था, अब पूरा कॉरिडोर 47 हेक्टेयर का हो जाएगा। महाकाल परिसर विस्तार का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक विजन लिया था और जो उन्होंने हम लोगों को निर्देश प्रदान किए थे, जैसे उनकी परिकल्पना थी, उसके आधार पर फेज वन का काम लगभग कंप्लीट है। दोनों फेज मिलाकर 750 करोड़ रुपए का पूरा कार्य है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकांश पैसा राज्य सरकार से दिया गया है। और इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद में जो हमारा मंदिर का परिसर था, जो केवल 2 हेक्टेयर का हुआ करता था, वो बढ़कर 47 हेक्टेयर का होने वाला है। महाकाल कॉरिडोर में देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। भगवान शिव के ही 190 रूप हैं, यानी नजारा देवलोक जैसा है। और इस वक्त महाकाल कॉरिडोर के उस अट्रैक्टिव पॉइंट पर खड़े हुए हैं, जहां से हम कहें कि सप्तऋषि जो बनाए गए हैं, सप्तऋषियों की जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं, आप देखिए कमल पर विराजमान एक सप्तऋषि में से, सप्तऋषियों में से एक ऋषि ये हैं। इसी तरह से 7 ऐसे ऋषि हमारे चारों ओर आपको नजर आएंगे। अलग अलग ऋषियों को विराजमान किया गया है जो सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं, और इतनी खूबसूरती के साथ इनका जो
यहाँ पर इनको बैठाया गया है और जो पत्थरों का जो काम किया गया है, जितना ग्रेसफुली जो स्टोन वर्क किया गया है उस पर भी तमाम मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। आप देखिए यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ आपको नज़र आएगी, वहाँ आपको दो और बच्चे नज़र आएंगे और यहाँ सप्तऋषि की जो मूर्तियाँ हैं इसी तरह की 7 मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। महाकाल के नए विशाल परिसर में जिन सप्तऋषियों की मूर्तियां लगाई गई हैं, उनमें कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदंगी और वशिष्ठ हैं। जो कॉरिडोर है उसके दूसरी तरफ शिव स्तंभ हैं जो 108 की संख्या में है और वहां पर शिव के अनंत तांडव के 108 जो मुद्राएं होती हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। और इसके अलावा उस पूरे एरिया में अलग अलग जगहों पर सप्तऋषि मंडल है, शिव स्तंभ है, त्रिपुरासुर का एक बहुत बड़ा स्कल्पचर है और कई सारी दूसरी मूर्तियां और स्कल्पचर्स जो शिव पुराण या शिव के जीवन के प्रसंग जो दिखाती हैं उनसे जुड़ी हुई मूर्तियां यहां पर बनाई गई हैं। शिव पुराणों में जो लिखा है, सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की जिस महिमा का बखान है, वो सब कुछ इस विशाल परिसर में एक साथ मौजूद होंगे। ये कॉरिडोर सनातन और नूतन का अद्भुत संगम है। इस पूरे काम में देखें तो मेनली 4 कंपोनेंट हैं। पहला 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग है और उसके ऊपर सोलर पैनल्स भी हैं, जिससे कि इस पूरे एरिया का जो परिसर का हमारा एरिया है उसकी लगभग 80-90% जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई वहाँ से हो जाया करेगी। उसके बाद 2 गेट हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार, इनके माध्यम से श्रद्धालु यहाँ पर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो म्यूरल्स की पूरी श्रृंखला है, 900 मीटर का जो हमारा कॉरिडोर है उस पे एक म्यूरल्स की श्रृंखला है जिसपे शिव पुराण से संबंधित जो स्टोरीज हैं उनको उकेरा गया है। रात में भी अच्छी तरीके से वो हाईलाइट हो सके इसके लिए लाइटिंग भी इसमें लगाई गई है और इनके बारे में दर्शक अच्छी तरीके से जान सके इसे तो ऑडियो गाइड की सुविधा भी QR कोड के माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जिस नदी द्वार का जिक्र आपने सुना उससे जुड़ा महाकाल पथ कैसा है वो भी देखिए। ये जो पूरा पथ है, रास्ता है, तो वहाँ आपको नंदी गेट नजर आ रहा होगा जो मेन गेट होगा जहाँ से भक्तगण प्रवेश करेंगे और ये पूरा महाकाल पथ होगा, यहाँ से शुरू होगा। और कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आपको सारा नजारा एक ग्लिम्स में दिखाने की कोशिश करें। तो ये पूरा एक पथ होगा जहां से भक्तगण प्रवेश करेंगे और यहां से ये जो महाकाल पथ है वो वहां तक जाएगा, तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी तक। ये बड़े बड़े खंभे यहां पर खूबसूरती से सजाए गए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है और तरह तरह की मूर्तियां इसके आसपास लगाई गई हैं। महाकाल कॉरिडोर का कोना कोना इंच इंच अद्वितीय है। कमल तालाब को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। ये वो तालाब है जिसे कमल तालाब नाम दिया गया है। इसमें खूबसूरत लाइटिंग होगी, पानी इसके अंदर झरने ऊपर तक जाएंगे कलरफुल। वहाँ स्टैचू लगी हुई है शिव जी की और 4 जो शेर हैं वो चारों तरफ बिठाए गए हैं शिव जी की मूर्ति के। तो ये काफ़ी ग्रेसफुल, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होने वाला है जब इसको फाइनल टच दिया जाएगा। पहले फेज का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। चूंकि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है, ऐसे में बाकी बचे काम भी जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले हमारा अभी का फोकस इस पे है कि हम लोग पहले इस काम को, कुछ कुछ जो थोड़े बहुत हमारे काम बचे हैं उनको कंप्लीट कर लें और सारे काम 30 सितंबर तक हमारा पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा जनता को इस पूरे प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट से जोड़ने के लिए हम लोग कई सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। एक अनुष्ठान भी होगा जो विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए मंदिर में उससे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे और कई सारे लोकल प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे जिससे कि पूरे शहर को इस लोकार्पण के साथ में जोड़ा जा सके। महाकाल मंदिर के बिल्कुल करीब एक ऐसी संध्या वाटिका भी बनाई जा रही है जिसे दिन के उजाले में देखकर भी रात का एहसास होगा। ठीक
मेरे पीछे आपको महाकाल मंदिर नजर आ रहा होगा, ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर। और इस मंदिर के ठीक सामने हम जहाँ खड़े हुए हैं, पहले मैं इस जगह को आपको थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा पूरा फ्रेमवर्क दिखा दें। ये पूरा फ्रेमिंग किया गया है चारों तरफ से, तकरीबन 50 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर मीटर का ये एरिया होगा। तो इस एरिया में पूरा फ्रेमवर्क किया गया है और इसको आगे जाके नाम दिया जाने वाला है नाइट गार्डन। ये नाइट गार्डन कैसे होगा, क्या होगा, हमारे साथ जो आर्किटेक्ट है कृष्ण मुरारी जी वो हैं, उनसे हम बात करते हैं। कृष्ण मुरारी जी, एक और अट्रैक्शन पॉइंट होगा कि मंदिर के ठीक सामने नाइट गार्डन डेवलप होगा, कैसे क्या स्वरूप रहेगा इसका? इसका स्वरूप इसी तरह से रहेगा कि ये एक इस तरह का चलने का पैदल मार्ग बनाया है जिसमें जो पूरा पूरा बेल से ढका रहेगा और उसके चारों तरफ घने पेड़ों का प्लांटेशन किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे दिन में भी आपको जंगल में जैसा अंधेरा रहता है उस तरह का फीलिंग आएगा। तो इसलिए इसे संध्या, हिंदी में हम संध्या वाटिका बोल रहे हैं, बाकी नाइट गार्डन इसीलिए कहा गया है। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में का तांता लगा रहता है, लेकिन अब इस दिव्यता से भरी नगरी को देखने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ क्या खास इंतजाम होंगे वो भी सुनिए।